थार पे नेताजी चढ़ गए हैं, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सन्नी हजारी पासवान थार पे चढ़ करके अब गर्दा उड़ा रहे हैं। समय बहुत कम है आदमी को, इसलिए मजबूरन मुझे है सो गाड़ी का चाहे और भी मोटरसाइकिल का बाइक का सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं तो मैं तो डोर टू डोर लोगों के बीच में कैंपेन कर रहा था, सभी लोगों का आह्वान ही हुआ कि नहीं आप जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ तक भी पहुँचिए, और इस तरह से डोर टू डोर कैंपिंग नहीं हो पाएगा, आपके पास समय कम है, आपके पास पूरा जनसैलाब उपस्थित है, सब लोग को चाहिए कि आपका चेहरा दिखना चाहिए, तो आप किसी न किसी माध्यम से उसमें तेज़ी लाइए प्रचार करने में। तो मुझे मजबूरन लोगों का जो आह्वान हुआ तो फिर गाड़ी का चाहे थार का हो चाहे मोटरसाइकिल का हो सबका सहारा लेना पड़ा। संभावी चौधरी आपको ऑल दी बेस्ट बोल रही हैं, लेकिन बोल रही है कि जीत तो मेरा ही होगा, वो सिर्फ कोटा पूरा कर रहे हैं अपना। चलिए वो तो समय बताएगा जीत किनका होगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपना अपना बात रखने की अधिकार होती है, हम भी अपनी बात को रख रहे हैं और अपनी बात को रखते हुए लोगों के बीच में उपस्थित हैं। अब लोग जनता मालिक है, जनता जिसे मौका दे काम करने की मैं उनका अभिनंदन करूंगा। वो बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे ना तो सबसे पहले यहाँ युवाओं को नौकरी देंगे। देखिए जो मेन मुद्दा है रोजगार नौकरी ये सब चीज़ तो चाहिए ही, अच्छा अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि मैं युवा हूँ, युवाओं के लिए पहले से भी सोच रहा हूँ, आने वाले समय में युवाओं के लिए जरूर करूँगा, यदि मौका मिलता है ये सब चीज़ मेरी प्राथमिकता है, मैं ये सब चीज़ करूँगा जरूर। अगर सबसे पहले सन्नी हजारी संसद भवन पहुँचते हैं तो क्या करेंगे समस्तीपुर के लिए, पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहले लोगों को धूप से है, धूप में गर्मी में बरसात में जो जाम में फंस जाते हैं लोग हैं तो पूरा चिड़चिड़ा जाते हैं, चिलचिला जाते हैं उस धूप में, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, लोग काफ़ी परेशान होते हैं, मैं खुद उससे जूझा हूँ। तो सबसे पहले जाम से निजात दिलाना है, जो समस्तीपुर में समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिमांड है पुल का, जो भोला टाकिस पुल है, मुक्तापुर पुल है, टुनटुनिया गुमती पे पुल है, और अटन्ना चौक पे जो पुल है, वो सब जगह पे जो है स्थिति में लोग को जाम से सबसे पहला निजात दिलाना है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, चूंकि रेल लाइन का वहाँ पे है, तो रेल लाइन से जब तक हम लोग को परमिशन नहीं मिलेगा तब तक ऐसा काम नहीं हो पाएगा। रेल भवन से परमिशन लेने के बाद अति शीघ्र मैं ये सब काम शुरू करवाऊंगा। हम अंतिम सवाल कर लेते हैं, क्या लगता है यहाँ टक्कर है, क्योंकि संभावी लगातार दावा ठोक रही है? देखिए सभी मतदाताओं मालिक का आशीर्वाद स्नेह प्यार मिल रहा है, वो आने वाले समय मिल जाएगा, लोग डिसाइड कर देगा क्या है नहीं है सो। लेकिन जिस तरीके से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं लोगों का साथ मिल रहा है आपका? पूरा अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है मुझे, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा मिल रहा साथ? जी जी एकदम साथ है आप लोग, साथ है। इस बार कौन जीतेगा? इस बार तो ये सन्नी हजारी है इंडिया अलायंस के समर्थित उम्मीदवार, और दावा ठोक रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ जो जाम की समस्या है ट्रैफिक की वो हम जीतने के बाद सबसे पहला काम वो होगा। बहरहाल जो नेताजी हैं वो थार से निकल गए हैं, आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट को दे, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत बहुत धन्यवाद।